हेलो गाइस, वेलकम टू ओरिजिन 2.0। गाइस, आज का टॉपिक है एक्जिमा। एक्जिमा एक ऐसी इरिटेटिंग बीमारी है जो लोग परेशान हो जाते हैं, इलाज करा के थक चुके हैं लेकिन उनका एक्जिमा नहीं थका। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्जिमा कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, इसका कारण क्या है और इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करें। गाइस, ये खुजली वाली बीमारी बहुत गंदा है। आदमी को सर्दी जुकाम हो जाए वो एक्सेप्ट है, लेकिन खुजली कतई ना हो। आदमी परेशान हो जाता है, ठीक ही नहीं हो रहा। अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ, स्पेशल तो नहीं बट जेन्यून है। अब चलते हैं इलाज की तरफ। तो आपने सुना होगा इट्राकोनाजोल, फ्लोकोनाजोल, टर्विनाफाइन, ये सिंपल सा ट्रीटमेंट। आप ये सारी दवाएं आप ले भी रहे होंगे, वही आपको लेना है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। 200 mg का इट्राकोनाजोल ले रहे थे, आपको 100 mg लेना है। 100 mg का 60 कैप्सूल ले लीजिए, सुबह शाम आपको खाना है एक महीने। इसके अलावा आपको टर्विनाफाइन टैबलेट 30 गोली 250 mg का लेना है, ये आपको एवरीडे रात में खाना है। एक और मेडिसिन आती है लिवोसिट्रिजिन, इसको भी ले सकते हैं आप, ये एंटी एलर्जिक ड्रग है जो कि ये भी हद तक काम करेगा। गाइस, जब भी आपको टैबलेट की कैप्सूल खानी है तो नींबू पानी के साथ आपको दवा खाना है। एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ के दवा ले सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेहतर फायदा मिलेगा। एक टेटमोसोल साबुन आती है, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है लेकिन ये भी मतलब फ़ायदा करेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो गाइज, ये था ट्रीटमेंट। अब बात करेंगे परहेज यानी सावधानियां, आपको क्या करना है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, अब होगी काम की बात। इतनी दवा खाने के बाद आपको ठीक तो हो जाएगा पर वापिस आ जाएगा। आपको जड़ से ख़त्म करना है ना, तो समझना होगा वापिस क्यों आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माना किसी व्यक्ति को खुजली हुआ, क्रीम लगाया, टेबलेट खाया, ठीक हो गया, लेकिन फंगस तो ख़त्म हो जाता है बट स्पोर रह जाते हैं स्किन के अंदर। अब स्पोर क्या है ये समझिए, स्पोर मतलब फंगस के अंडे, आप देख नहीं सकते। वो 15 दिन का टाइम लेता है एक्टिव होने में। आपको लगता है कि 15 दिन हो गए अब नहीं आया, इसका मतलब मेरा इलाज सक्सेसफुल हो गया। वो 15 दिन के बाद फिर एक्टिव हो जाता है, फिर आप दवा खाते हो, फिर ठीक हो जाते हो, फिर वो एक्टिव होता है और ये क्या होता है, चलता रहता है। आदमी दवा खाता है, ठीक हो जाता है, फिर आता है, क्योंकि वो स्पोर ख़त्म ही नहीं हो रहा और उनको लगता है यार इतना दवा करवा लिया फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा, अब क्या करें, परेशानी। तो आपने जो खुजाया अपने बॉडी को, इधर उधर हाथ गया, तो स्पोर जो होते हैं अंडे, वो बॉडी में फैल जाता है, आपके रुमाल, आपके कच्छे कपड़े, टॉवेल, बिस्तर, हर जगह फैल जाता है। फिर आप कुछ भी कर लो, दवा लगाओ, क्रीम लगाओ, झाड़ फूँक करवाओ, बाबा के पास जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके बिस्तर में, आपके टॉवेल में, आपके कच्छे में क्या है, स्पोर हैं, वही जिम्मेवार है। क्योंकि जब पहनोगे आप तो आपको फिर हो जाएगा, आप कितनों भी दवा खाओगे कोई असर नहीं होने वाला। तो इसका रियल इलाज क्या है, अब सुनो। जैसे ही आपको लगे कि ये ठीक हो गया है बिल्कुल, सबसे पहले आपको जितने कपड़े हैं सबको वेस्ट कर देना है, जला देना है, फेंक देना है। गंजी, चड्ढी, रुमाल, तौलिया, जितने भी हैं सबको जला दो, सबको फेंक दो। 1000 रुपये का खर्च आएगा, कोई बात नहीं, नया ले आना। इससे ज़्यादा पैसा तो आप अपने दवाई में लगा चुके, क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेवार है अंडे, फंगस का जो स्पोर है, जो अंडा है, वही जिम्मेवार है। जब तक आपके अराउंड रहेगा, आपके बिस्तर पे, आपके रुमाल में, आपके बॉडी में, तब तक वो आपकी खुजली आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसलिए सबसे पहले मेन काम आप वही करो, दवा खाते रहो और जब ठीक हो जाए तो सारे कपड़े को नष्ट कर दो। अगर आप दवा को लगातार 3 महीने तक सही तरीके से खाते हो, रेगुलरली तरीके से, तो गारंटी के साथ आपकी खुजली हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब बारी आती है डिस्क्लेमर की। मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आप अपने नियर डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनसे बात करें, उनसे सलाह लें, तभी कोई भी दवा का इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो एज, सेक्स, बॉडी वेट और बीमारी की सिवेरिटी को देख करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।